एक लड़की का कमेंट आया था गाइस हम लोग के वीडियो पे कि अपना लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ, तो देख सकते हैं ये वाला पिक था। सबसे पहले मैं श्वेता को देखा था इसी पिक में और अपने फ्रेंड को मैं बोला ओह गॉड एक बार दिला दे। गाइस फर्स्ट टाइम मैं जब इससे मिला था तो उस टाइम इसको मैं रोज वगैरह दिया था, रोज और चॉकलेट, और उसका क्या की थी। तुमसे पहली बार मिले थे ना, जब तक मतलब इसका नंबर लेते इसके बाद इससे स्कूटी वगैरह सीखेंगे। गजब बेइज्जती है। Hey guys, welcome back to रोहित का चैनल। So, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है गाइस 30 डे चैलेंज का 22वां दिन। तो आज हम लोग जा रहे हैं गाइस आप लोग के लिए एक ब्लॉग बनाने। एक लड़की का कमेंट आया था गाइस हम लोग के वीडियो पे कि अपना लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने गाइस। सो गाइस, तो अभी जैसे कि देखे श्वेता जैसे कि सारा कुछ बता दी, तो गाइस कुछ दिन पहले एक वीडियो पे हम लोग का दोनों का साथ वाले पे एक कमेंट आया था कि लड़की का कि अपने लव स्टोरी के बारे में बताने के लिए, तो मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा बहुत अपना लव स्टोरी शेयर करूं। तो गाइस पूरा मतलब कि कितना हम लोग का 4 साल ये चल रहा है, 2020 से कहानी और 2024 चल रहा है, तो उतना लंबा अगर मैं बताऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट मैं जितना बता पाऊंगा उतना मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग पे, मजा आने वाला, बिना स्किप किए हुए देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बीच बीच से अगर छोड़ के आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मेरा लव स्टोरी पता चलने वाला नहीं है, मतलब हम दोनों का। तो अभी चलते हैं, पहले अभी देख सकते हैं रोड का हालत कैसा है गाइस। अभी हम लोग जा रहे थे बोधगया साइड, तो ऐसा रोड का हालत में अभी अगर हम ब्लॉग बनाएंगे तो पूरा मस्त एकदम कार ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, तो सही से आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मस्त पहले चलते हैं कहीं पे आराम से रुक जाते हैं खाली सा जगह पे जहाँ पे पूरा सुनसान हो और आवाज वगैरह कहीं से कार का बाइक का ना आए। वैसे भी तो कार में हम लोग है तो उतना आवाज नहीं आएगा बाहर का, बट नॉइस थोड़ा कम आएगा तो अच्छा रहेगा। तो अभी मस्त चलते गाइस कोई खाली सा जगह पे यूनिवर्सिटी वगैरह, और वहाँ पे रुक के आपसे सारा बात दम बताऊंगा गाइस, अपना लव स्टोरी शेयर करूंगा मैं और श्वेता दोनों मिलकर। तो करूंगी ना, तो अभी देख सकते हैं गाइस श्वेता भी एक्साइटेड है अपना लव स्टोरी शेयर करने के लिए। तो श्वेता पहले मना कर रही थी कि नहीं शेयर करो, बट इसको मैं मनाया हूँ, तो कोई नहीं गाइस अभी चलते हैं और मस्त आप लोगों को शेयर करते हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शांति सा एरिया में, देख सकते हैं अगल बगल से आप लोगों को कहीं से कोई आवाज नॉइस नहीं आ रहा होगा, और मस्त हम लोग कार लगा के रुके हुए हैं और फोन को भी गाइस सेट कर दिया हूं। सामने कैमरा मैं ला नहीं पाया था तो मस्त डैशबोर्ड के पास फोन को सेट कर दिया हूं, और श्वेता को देख सकते हैं बैठ चुकी है बगल में, साथ में आई है। तो बाकी गाइस अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं, तो कर दिया जाए बताया जाए सब कुछ बता। तो गाइस जैसे कि श्वेता भी बताएगी कुछ कुछ, जो बात मेरे को याद नहीं होगा वो चीज ये बताएगी। तो आप लोग यहाँ पे गाइस एक पिक आ रहा होगा जो श्वेता का मैं फर्स्ट टाइम देखा था पिक, ये वाला पिक ही देख के मतलब मैं बोला था कि श्वेता से मतलब मैं सेटिंग करूंगा यहाँ पे आ रहा होगा। तो देख सकते ये वाला पिक था, सबसे पहले मैं श्वेता को देखा था इसी पिक में और अपने फ्रेंड को मैं बोला था ओह गॉड एक बार दिला दे इससे सेटिंग कराने के लिए, मतलब फ्रेंड को ही पहले बोला था सेटिंग कराने के लिए। 2020 का ये बात है, फरवरी मंथ था, डेट मेरे को याद नहीं है गाइस, डेट हम लगभग लगता 13 तारीख हम लोग मान लिए, 13 तारीख डेट हम लोग गाइस 13 तारीख मान लिए हैं, बट 13 तारीख को ऐसा हम लोग को खुद याद नहीं कि हम लोग 13 को मिले थे कि 12 को मिले थे या 11 को मिले थे, पता नहीं गाइस। ये बोलती और इसके ही बात पे चल रहा अभी तक। मेरी फ्रेंड है उसका 16 को हुआ था और मेरा उसके जस्ट 3 दिन बाद, नहीं पहले। तो गाइज 13 को यही बोल रही है और इसी से मतलब हम इसी के बात से हम सुन के जानते हैं कि 13 तारीख को, बाकी हमको डेट वगैरह याद नहीं है। बाकी गाइज हम लोग उस दिन मतलब कि 13 मतलब फरवरी में मिले थे, डेट हमको याद है नहीं, बाकी 2020 था उस टाइम और हम लोग मिले थे, और हम लोग गाइज मिलते के साथ मतलब हम लोग इसको मतलब कि बोले थे, और इसको उस टाइम हम लोग ऐसे बात हुआ था कि तुम क्या चीज के लिए बोली थी हमको, हम लोग गए थे गाइज मिलने के लिए, सबसे पहले माया सरोवर आए थे, मतलब मेरा जो फ्रेंड था वो इसका भी फ्रेंड था स्कूल का ही, जिसको लेके आया था माया सरोवर में, और हम लोग दोनों को मिले थे। तो उस टाइम जब घर लौट रहे थे गाइज, तो श्वेता मेरे को बोली थी कि अपना तुम नंबर भेज, आप अपना, उस टाइम ये आप बोलती थी सारे लोग को, तो ये बोली थी आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, वो भी किस लिए गाइज, स्कूटी सिखाने के लिए। स्कूटी सिखाने के बहाने मतलब कि हम लोग का बातचीत हुआ था, और उस टाइम फिर हम लोग बात करते करते फिर हम लोग बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुआ था गाइज, इतना ज्यादा लड़ाई चला था कि क्या ही बताए चला था, तो किस लिए चला था वो सब बात शेयर नहीं कर सकता हूँ, काफी दिन तक लड़ाई चला, फिर बीच में पैचअप हुआ था हम लोग का और फिर लड़ाई हो गया था, फिर लगता लगा 3 मंथ के बाद फिर बातचीत हुआ हम लोग का, और जाके फिर 2021 में हम लोग का थोड़ा बहुत शुरू में लड़ाई चला था, और उसके बाद से जाके नहीं तुम्हारे वजह से हुआ था, हाँ याद नहीं दिलाना चाह रहे गाइस इसको, नहीं तो अभी इसको बुरा लग जाएगा और आप लोग भी जान जाओगे बात को, इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। बट 2021 में शुरू में इसके ही चलते लड़ाई हुआ था, और उसके बाद जाके गाइस सारा कुछ सही चल रहा था, और अभी तक 2024 तक सब सही चल रहा, और भगवान का दया दुआ ऐसे ही बना हुआ रहेगा, तो आगे तक भी सब कुछ सही चलेगा। बाकी आप लोग को बहुत जल्द सब कुछ जो भी जो हम लोग के बीच होते रहेगा सब कुछ आपको जानकारी मिलते रहेगा। बाकी गाइस ब्लॉग का चैनल श्वेता भी बनाएगी और हम भी बनाएंगे, तो ये भी अपने ब्लॉग जब बनाएगी चैनल तो ये भी अपना सब कुछ बात जो भी है लव स्टोरी वगैरह हम लोग का कैसे मिलना जुलना सारा कुछ उसमें डालेगी अपने चैनल में,
बाकी अभी हम लोग ये ब्लॉक पे है तो ये ब्लॉक पे बात करते हैं। तो ये हो गया था गाइज, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं, उसके बाद गाइज फिर हम लोग काफी सारा फोटोज वगैरह है, वीडियोस वगैरह है। तो उसके बाद फिर हम तो गाइज पब्लिक हो गए थे, मतलब पब्लिक में सारे लोग को सब कुछ डालने लगे थे। क्या शुरू में इसका नाम बस एस लिख के लगाते थे, मतलब स्टोरी वगैरह में। उसके बाद फिर धीरे 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 करके सोयता लगाने लगे, उसके बाद फिर तो खुलेआम मतलब फोटो वगैरह सब कुछ डालने लगे गाइज, क्योंकि मेरे को साथ में रहना था, इसके साथ रहना था, इसलिए मैं सब कुछ शो कर दिया था सारे लोग को। मेरे को टेंशन नहीं था किसी से, और मैं घर वाला फैमिली लोग को सारे लोग को अपने लोग को बता कर रहा हूँ अभी, जो भी कर रहा हूँ गाइस घर वाले लोग को सारे लोग को पता है मेरा। और ये चीज़ सही रहता अगर आपके घर वाले लोग को पता, घर वाला तरफ सपोर्ट है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मस्त। और बाकी श्वेता बताइए कुछ कुछ, तो तुम बताओ शुरू में तुम मिली थी तो क्या सोची थी, आगे कुछ सोची थी कि नहीं सोची थी? आगे मतलब तुमसे पहली बार मिले थे ना, जैसे कि इस मतलब इसका नंबर ले लेते, उसके बाद इससे स्कूटी वगैरह सीखेंगे, और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं सोचते थे। गजब बेइज्जती है। तो देख सकते हैं इस लड़की को फ्रेंड बना के स्कूटी सीख के, और आप करने का इसका आदत। और पहले ये बोलती थी गाइज, अगर उस टाइप से अगर अभी ये ब्लॉग में अगर बोलती ना तो मेरा हर ब्लॉग वायरल जाता, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसका जो आवाज था पहले, मतलब बोलती थी जिस टाइप से, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप वैसे क्यों कर रहे हो, मतलब अब तो नहीं बोलती, अब तो इसका आवाज में काफी चिल्लाने वाला आवाज हो चुका है। इरिटेट वाला नहीं बोल सकते हैं, बट चिल्लाने वाला हो चुका है। तो ऐसा कुछ गाइस, तो कहानी बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा ही लंबा है, बट मैं सुन मेरा आवाज अच्छा लगता है। हाँ अभी भी इसका आवाज अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। कॉल पे तो आप लोग सुने नहीं होंगे गाइस, तो ब्लॉग में भी अगर ब्लॉग में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग का कॉल रिकॉर्डिंग का सेम ही आवाज होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा श्वेता आप लोग को आवाज अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और गाइस फर्स्ट टाइम मैं जब इससे मिला था तो उस टाइम इसको मैं रोज वगैरह दिया था, रोज और चॉकलेट, और उसका क्या की थी ये खुद बताएगी अपने मुंह से, क्योंकि मैं बोलूंगा गाइस आप लोग को झूठ लग गया, तो ये खुद बताएगी। अब बताओ, ये अपना फ्रेंड के साथ आया था गाइस, तो उसके बाद फिर ये जो चॉकलेट दिया था ना, तो वो मैं घर लेके चल गई थी और इसका रोज फेंक दी थी। सोच सकते हैं गाइस, शुरू में जब ये मेरे से गुलाब मैं इसको दिया था तो ये फेंक दी थी गुलाब को, और चॉकलेट बस घर पे ले गई थी, और ये ले जाती गुलाब को भी बट नहीं ले गई थी, क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी मारती, इसलिए डर के मारे नहीं ले गई थी। और चॉकलेट तो गाइस मैं इसको इतना ज्यादा दिया, कितना दिया बताओ तू ही, बैग भर भर के, मतलब मेरे फ्रेंड का बैग रहता था और उसमें चॉकलेट डाल डाल के इसको मैं पैक करके दिया हूं। मेरा स्कूल टाइम था ना गाइस, तो हम लोग का ब्रांच मतलब जो मेरा ब्रांच है ना उसके मतलब जूनियर ब्रांच में मेरा मतलब हो गया, हम लोग गए थे, उसके बाद फिर ये लंच टाइम हमेशा हमको चॉकलेट देता था। लंच टाइम क्या गाइस, छुट्टी टाइम भी, मतलब ये वाला जो मारनपुर वाला स्कूल है जहाँ पे ये पढ़ाई करती थी पहले, वहाँ पे भी हम जाते थे, तो हमेशा छुट्टी में मतलब डेली तो जाना रहता था, पूछ सकते हैं, डेली आते थे इसके लिए बस, और घर पे बहाना मार मार के जिसके अभी काफी सारा रील्स भी चल रहा है कि चल भाई छुट्टी का टाइम हो गया जाना है यहाँ वहाँ। वही मेरे साथ पहले ये सीन हुआ करता था जब मैं इसके स्कूल के जब स्कूल लाइफ में थी और स्कूल के बाहर मेरे को जाना रहता था, और काफी बेगारी किया हूँ गाइस इसके चक्कर में, तब जाके इसको पाया हूँ। और हाँ, आप छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो कभी कभी गुस्सा किसी को भी आता है गाइस, इंसान ही है, तो कभी कभी इरिटेट जैसा लगने लगता है तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो गाइस हम लोग मतलब ये मेरे एग्जाम टाइम चल रहा था गाइस, तो मतलब मेरे क्लास में इसका भी एग्जाम था ट्वेल्थ का गाइस, तो उसके बाद ना ये नाम आया था हम लोग के मतलब स्कूल में मेरे क्लास में, तो मेरी एक फ्रेंड थी गाइस, तो वो मतलब उसको पता था, उसके लिए भी गाइस काफी सारा लड़ाई हुआ था, मेरे से भी हुआ था कि तुम क्यों आए थे, और इससे भी पूछ सकते इसका क्या हुआ सीन, ये बताइए खुद। और उसको पता था या नहीं पता था, नहीं पता हमको गाइस, लेकिन वो खुद मेरे से ही बोल रही है, और एक मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड थी उससे कि वो कौन है, तो उसको वो कुछ बता ही नहीं, और वो खुद ही मतलब उनको बोल रही कि हम उसको बहुत लाइक करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरा सेटिंग करवा दो ना। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ था गाइस, और ना मेरे को कुछ पता था गाइस, बस हम इसके इस लंच टाइम स्कूल में गए थे और इसके क्लास में डायरेक्ट चले गए थे, और मतलब कि देखी हमको, हम इसको देखे, और फिर हम बोले कि ठीक हमको लेट हो रहा है, हमको निकलना है कॉलेज के लिए, और कॉलेज में मेरा 12th का उस टाइम एग्जाम था, और हम निकल गए, और मस्त गाइस इसका उस प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह कुछ था उस दिन लगता है। और उसके बाद जब मैं घर आया हूँ एग्जाम से, तो मेरे को खाली ताना सुनने के लिए मिला कि तुम ऐसा ड्रेस पहन के क्यों आए थे स्कूल में, येलो कलर का मैं एक हुडी पहनता था पहले, इधर बटन था साइड में, आप लोग देखे हो कोई ना कोई ब्लॉग में, वो वाला हुडी तुम पहन के क्यों आए, वो वाला हुडी में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हो, काफी तरह ज्यादा गाइस उस टाइम भी लड़ाई हुआ था मतलब ये सब बात को लेके। फिर हम समझाए कि मेरा क्या गलती है इसमें, तुम्हारी जो फ्रेंड है स्कूल की, तुम्हारी क्लासमेट है, उसको तुम समझाओ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये भी मेरे को बोल के कोई फायदा है नहीं।
तो काफी सारा सीन हुआ था गाइज, और कहानी काफी लंबा लंबा है। कितना चीज तो श्वेता को भी नहीं याद है, कितना चीज तो मेरे को खुद नहीं याद है। मैं अभी बता भी रहा हूँ आपको लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा याद कर करके बता रहा हूँ। जो जो बात मेरे को याद आ रहा है वही मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि कहानी बहुत लंबा, 4 साल का गाइज रिलेशनशिप है, तो आप लोगों को पता होगा कहानी थोड़ा लंबा होगा। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम दोनों कपल कैसे लगते हैं आप लोग को, और आप लोग को हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। तो काफी सारा कहानी गाइज, क्या क्या मैं बताऊँ मेरे को खुद याद नहीं आ रहा उतना ज्यादा। और फोटो में जैसे कि दिखा दिया पहला कौन सा फोटो में मतलब इसको देखा था, और उसके बाद हम लोग का एक पिक आप और चेक कर सकते हैं, ये वाला आप चेक करो उस टाइम मैं कैसा लगता था, और ये रहा मेरा फर्स्ट पिक। और देख सकते हैं श्वेता का हाथ में चॉकलेट भी आ रहा है, तो चेक किए गाइज यहाँ पे ये वाला पिक। तो ये तो गाइज छोटा सा चॉकलेट है, ये मैं काफी मतलब कि 3-4 बार 5 बार मिलने के बाद पहला बार एक पिक क्लिक करवाया था, वो भी अपने फ्रेंड को बोला था कि एक पिक क्लिक करा ले, क्योंकि साथ में ये रहे चाहे नहीं रहे एक याद के लिए फोटो तो रहेगा साथ में, बस उसलिए ये वाला पिक क्लिक कराया था गाइज, जो आप लोग के सामने यहाँ पे आप लोग देखें। और गाइज स्कूल लाइफ में भी गाइज हम लोग काफी सारा मतलब कि इसका जो छुट्टी होता था तो इसके साथ में मतलब कि रेस्टोरेंट बगल में स्कूल के रेस्टोरेंट था, और इसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता था क्योंकि इसकी मम्मी भी स्कूल जाती थी, और साथ में जब दोनों को आती थी गाइज स्कूल से तो इसे पहले चलाती थी और मम्मी इसकी लेट से आती थी, तो 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का टाइम मिलता था कि उस बीच हम जाते थे इसको जब स्कूल से तुरंत रिसीव करके तुरंत रेस्टोरेंट में पहुंचते थे, और थोड़ा सा इसको चाउमीन वगैरह मोमो वगैरह जो भी खाना होता था जल्दी जल्दी खिला के फिर इसको घर पहुंचाते थे, चॉकलेट वगैरह जो भी देना होता था उसी बीच दौरान करते थे गाइस, और मस्त इसको घर छोड़ते थे और फिर जाते थे। ये सब भी गाइस क्या यादगार दिन था, स्कूल लाइफ भी श्वेता का मतलब कि काफी मतलब अच्छा लगता था, वही लाइफ अच्छा लगता था मेरे तक जहां तक लगता है कि अगर वो लाइफ होता गाइस तो आप लोग को ब्लॉग देखने में और भी मजा आता, क्योंकि हम लोग उतने ही देर में जो गाइस मतलब कि घूम फिर लेते थे 20-25 मिनट में ही, वो चीज को अगर मैं ब्लॉग में दिखाता तो और भी मजा आता, बट उस टाइम मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाता था तो इसलिए मैं वो सब चीज तो दिखा नहीं पाया। बाकी अब कॉलेज लाइफ चल रहा था, श्वेता कॉलेज जाती नहीं है, श्वेता तो बस नाम लिखाई हुई है और एग्जाम वगैरह ही देने जाती है, तो इसलिए उतना दिखता नहीं, और एग्जाम वगैरह देने गई थी तो मैं डाला भी था बीच में ब्लॉग, और अभी रिजल्ट आ गया, अभी इसको एडमिशन भी करवाना है, तो सारा कुछ है गाइस, बहुत सारा कहानी है, तो जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। तो आज आ गया था बस श्वेता को लेकर ऐसा ही, क्योंकि कल ये नानी घर जाने वाली, कल ही नहीं जा रही हो तो कल 23 तारीख हो जाएगा गाइज, और मैं जैसे कि बताया था कि 23 तारीख तक ये जा सकती है, तो 23 तारीख है कल ये चली जाएगी, हो सके गाइज तो मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, कल का भी हो सके ब्लॉग मैं श्वेता के साथ लाऊंगा, कुछ भी लाऊंगा बट अच्छा ब्लॉग होगा जो भी आएगा। मैं एक चीज सोचा हूँ गाइज श्वेता के साथ, बट वो चीज मिल नहीं रहा मेरे को जो मैं इसके साथ करने वाला हूँ, बट वो चीज मिल नहीं रहा है, और मैं अगर आप लोग को ब्लॉग में बोल दूंगा तो ये भी सुन लेगी और ब्लॉग देख लेगी, ये अगर सुनेगी नहीं अभी आपको तो, बट मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, वो चीज मैं ढूंढता हूँ पहले गया में, अगर मिल जाएगा तो फिर आप लोग के लिए वो भी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। बाकी कल गाइस ये चली जाएगी नानी घर, तो फिर कब आओगी? 29 को आएगी गाइस, तो 29 को आएगी मतलब 30 से ही आपको ब्लॉग फिर इसके साथ देखने को मिलेगा, मतलब ये 30 चैलेंज वाला खत्म हो जाएगा सीन, अगला फिर मंथ स्टार्ट हो जाएगा शायद, तो 30 का ही महीना या 31 का पता नहीं गाइस, तो जो भी 30 का है, तो जो भी गाइस, तो बाकी आप लोग को कल का ब्लॉग देखते हैं, स्पेशल कुछ सोच रहे हैं बनाने के लिए, बाकी इसको कल जाना नानी घर, तो अगर ये इसके पास सुबह में टाइम होगा तो बना लेंगे जाके, नहीं तो फिर वो वाला जब ये आएगी तब बनाएंगे, क्योंकि तब तक हम फ्लिपकार्ट से वो चीज़ का ऑर्डर करके मंगा भी लेंगे जिस चीज मेरे को चाहिए। तो यही था बस, आज आ गए थे बोधगया घूमने के लिए, तो आप लोगों को सोचे, और एक का कमेंट आया था तो मैं तो आप लोग पता ही है अभी जो भी मतलब कि कमेंट करोगे जो टाइप का वीडियो बनाने के लिए मैं बनाऊंगा, क्योंकि गाइस अभी 30 डेज चैलेंज चल रहा है तो मेरे को भी वीडियो बनाना जरूरी है डेली और आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ डेली, आप लोग भी देख रहे होंगे, तो कल से आपको अगर श्वेता के साथ वीडियो बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल से आपको मेरा सोलो वीडियो देखने के लिए मिलेगा गाइस। बाकी कल से मोटो ब्लॉगिंग भी होगा, क्योंकि अभी ऑगी का थोड़ा चैन वगैरह ढीला है तो उसको जाके टाइट वगैरह करा के बनवा के मस्त ऑगी पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बस कहानी इतना ही था, तो जो लोग कमेंट किए थे उन लोगों को पता चल गया लव स्टोरी, जो लोग नहीं भी किए थे कमेंट उन लोगों को भी पता चल गया, तो वैसे भी लंबा कहानी था तो मैं शॉर्टकट में बता दिया आप लोगों, तो बस यहीं तक था गाइस ब्लॉग, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर अगर नहीं होंगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। बाकी टास्क आज का कम्प्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा पापी मगाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से भार।